नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम आपको टेक्निकल फंडामेंटल हर एनालिसिस को सिखाते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी भी आपको हम वीडियो के लास्ट में हमेशा बताते हैं कि किस प्रकार आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पर आप अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर आपको लिए काफी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज बताया जाता है कि टेक्निकल चार्ट पे कहाँ एंट्री लेना है, फंडामेंटल में कंपनी की क्या चीजें देखना है बेसिक रूप से। एडवांस रूप में जब हम कंपनी के वैल्यूएशन को निकालते हैं, फिर कंपनी के प्राइस को बात करते हैं, तो वो एडवांस लेवल की बात यहाँ नहीं करते। पहले आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत के लिए जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक है उसके साथ रहिए। शुरुआत के समय में आपको माइक्रो कैप स्मॉल कैप में नहीं जाना है। तो इस वीडियो में एक बेहतरीन हम आपको जो ब्लू चिप कंपनियां कहें, लार्ज कैप कंपनियां हैं, वो बताने वाले हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सुरक्षित रहेगा। और एक मल्टी बैगर रिटर्न भी स्टॉक पूरी तरह से देने का क्षमता रखता है, और ये आप अभी तक जो वीडियो देखा उससे डिफरेंट सेक्टर से ये स्टॉक है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है 62,000 करोड़ मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर कंपनी के करेंट प्राइस की बात करें तो जो शेयर का करेंट प्राइस है 999 रुपीज़ है, लगभग 1000 के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1238 रुपीज़ 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो 562 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.65% डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू कंपनी का 82 रुपीज़ का है बुक वैल्यू, देख सकते हैं शेयर काफ़ी महंगे प्राइस पर मिल रहा है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर के प्राइस पे है। पी की बात करें 62.4 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का जो पी है 27 का है, तो पी भी काफ़ी महंगा है। देखिए महंगे पी पे हैं आपको महंगे स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ है, जो मार्केट का लीडर कंपनी है, साथ ही साथ जो वैल्यूएशन है कंपनी का, और जो उसमें डिमांड और सप्लाई होता है शेयर का, उस तो सारे फैक्टर डिपेंड करता है। इसलिए अच्छे स्टॉक्स आपको हमेशा महंगे प्राइस पे मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जब भी अच्छे शेयर आप खरीदते हैं तो आपको महंगे प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा। और जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ था 2020, तो वैसे में ही आपको सस्ते प्राइस पर जो अच्छे स्टॉक है वो खरीदने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 29.2% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21.2% का है रिटर्न ऑन इक्विटी, फेस वैल्यू 1 का है। प्रमोटर्स का स्टेक 59.5% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। देखिए सारे पैरामीटर्स पे हम यहाँ पर देखेंगे तो सारे पैरामीटर्स पे ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.10 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, मतलब काफ़ी कम डेट है, एक ब्लू चिप कंपनी है। उसके बाद मात्र 521 करोड़ का डेट है, जबकि देखिए नेट एनुअल प्रॉफिट, जो एनुअल प्रॉफिट है 1044 करोड़ का है, तो नेट एनुअल प्रॉफिट डेट से दोगुना है। और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, 5000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास। तो कंपनी जो हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन दिख रही है, कंपनी का जो भी बेसिक फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, और भी कई सारे पैरामीटर्स है जिसपे आपको देखना चाहिए स्टॉक किस तरह का है। अब एनालिसिस पे चलते हैं, देखिए प्रोज और कॉन्स, जो पॉजिटिव बातें हैं उसको प्रोज में देखते हैं, जो कौन से है उसमें निगेटिव बातें हैं। सबसे पहले पॉजिटिव बातें देख लेते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है 36% का कंपनी ने। अगर कौन सी बात करें तो बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर ट्रेड करा है, अच्छे स्टॉक्स हाई प्राइस पर ही मिलेंगे, तो ये कोई भी निगेटिव बातें नहीं हुआ। अच्छे प्राइस आप जो अच्छे स्टॉक्स है उसके प्राइस हमेशा हाई मिलेंगे। अगर पुअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है 6.61% का, मतलब जो सेल्स में ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो चुका है अभी कंपनी का। अब देखिए पीर्स कंपेरिजन पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसके जो डिफरेंट पीर्स है उसको कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपनी जो है कैपिटल गुड्स सेक्टर से है, और इस सेक्टर की लगभग लीडिंग कंपनी है। देखिए एक सीमेंस इससे भी बड़ा स्टॉक है, लेकिन ये भी कंपनी उस स्टॉक से पीछे नहीं है। हम जो हेबल्स हैं उसके बहुत सारी प्रोडक्ट अपने घरों में यूज करते हैं, आप जो कीबोर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो यूज करते हैं, उसमें जो स्विच यूज करते हैं, ये सारे ज़्यादातर हेबल्स के ही रहते हैं। और देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम किसी भी पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब दिन यूज करने वाले हैं, तो ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट और ग्रोथ का। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे तब देखेंगे जब हमें कभी इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे हमें प्राइस में गिरावट का अंदाज़ा रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म के रिजल्ट को देखेंगे, क्वार्टर बेसिस को। लेकिन हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे, सेल्स ग्रोथ का। तो 2010 में 5000 करोड़ का सेल्स था, जो कि लगातार यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ते गया, और लगभग 2021 में 10,000 करोड़ हो गया, लगभग डबल हो गया। अगर प्रॉफिट की बात करें
तो प्रॉफिट यहाँ पर 2010 में थोड़ा कम था, 2011 में लेते हैं तो 2011 में 300 करोड़ का था प्रॉफिट, और यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 1000 करोड़ का हो गया, 3 times से भी ज़्यादा का प्रॉफिट में ग्रोथ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 10% था 2011 में, और जो कि लगभग काफ़ी दिनों तक कांस्टेंट चला, और यहाँ पर 15% प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है लगभग 1.5 times सोच का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10 years में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बढ़ने से भी यहाँ कंपनी का जो इनकम है वो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सब चीज़ें, और जो इन्वेस्टर है उसमें इन्वेस्टर कौन है, प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का कितना स्टेक है, प्रमोटर का स्टेक जो है घट रहा है या बढ़ रहा है, इन सारे बिहेवियर को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो शेयर कैपिटल कंपनी के पास जो अभी 63 crore का शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी का 2011 में था 591 crore, जबकि लगातार इंक्रीज होकर के 5000 crore रिजर्व हो चुका है कंपनी के पास। और वहीं डेट की बात करें जो कि यहाँ पर बोरोइंग में दिखा रहा है, तो डेट की बात करें तो अभी डेट जो है 521 crore हुआ है, जो कि लगभग धीरे धीरे घटते गया था, लेकिन इस साल जो है पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा डेट कंपनी को अपना बढ़ाना पड़ा है, तो यहाँ पर डेट बढ़ा है कंपनी का, तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद कैश फ्लो पे चलते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी से ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव देखने मिल रहा है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से ये कैश फ्लो पॉजिटिव है, और ओवरऑल जो हमारा नेट कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। उसके बाद जो डिफरेंट रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी टोटल जो कैपिटल यूज कर रहा है उस पर रिटर्न तो लगातार बढ़ते गया है, लगभग मतलब कांस्टेंट एक तरह से रहे, कभी बढ़ा है कभी घटा है, तो 29% का है। डेबिटर्स डेज, ये आपको जो इसके पीयर्स हैं मतलब जो पीयर्स हैं उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है कि पीयर्स का डेबिटर्स डेज क्या है, तो अभी इसका 20 चल रहा है डेबिटर्स डेज। और इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें जो कि इस कंपनी के सेल्स के इफिशेंसी को दिखाता है, तो लगभग 4-5 के आसपास है, तो काफ़ी बेहतर होता है। अभी ये 3 के पास है तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा रहे 5-6 रहे तो ऐसे हम जो इसके पीयर्स हैं उसके कंपेयर में देखें तो ज़्यादा बेटर होता है डेबिटर्स डे। और जो इन्वेंट्री टर्नओवर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेबिटर्स डेज हैवेल्स का मात्र 14 days है एवरेज रूप से, 3 years का जो एवरेज है, जबकि देखिए पीयर्स का काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे भी बता रहा है कि ये कंपनियाँ जो है सेक्टर की लीडर कंपनियाँ हैं, तो हमेशा हमें लीडर के साथ ही रहना है। तो कंपनी जितना भी कमाता है है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश में भी बदलता है, क्योंकि कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी जल्द ही अपने सामान को जिसे भी देता है वो पेड करता है कंपनी को, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब इन्वेस्टर सेक्शन में प्रमोटर का स्टेक है 59.50%, FIH का स्टेक है 24.91%, DIH का स्टेक है 7.89%, गवर्नमेंट का स्टेक इसमें कुछ खास नहीं है, पब्लिक का स्टेक 7.51%। देखिए इस तरह के जो अच्छे स्टॉक है इसमें आपको पब्लिक का स्टेक देखने मिलेगा ही नहीं। कहाँ मिलेगा, आप चले जाइए सुजलॉन एनर्जी में देख लीजिए, आप चले जाइए यस बैंक में देख लीजिए, पूरा उसमें मिलेगा, पब्लिक का ही पैसा लगा होगा और वो स्टॉक मूव ही नहीं करता है। और जहाँ पर देखिए स्टॉक में हमेशा ग्रोथ देखने मिलता है वहाँ आपको FIH का स्टेक ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर FIH 25% कहा जाए तो है। तो इस तरह के अच्छे स्टॉक में आपको रहना है, तब लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, एक मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अब देखिए चार्ट पे हम प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं। देखिए प्राइस में जो ग्रोथ होता है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ का हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो सेल्स में ग्रोथ है मात्र 7% है 10 years में, प्रॉफिट में ग्रोथ देख लीजिए मात्र 13% है, जबकि प्राइस में देखिए ग्रोथ कितना का है 29% का। तो जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उसमें रहने का यही बेनिफिट होता है, 29% का CAGR है प्राइस ग्रोथ में। अब क्या चाहिए आपको, देखिए इक्विटी पर रिटर्न मात्र 21%, तो प्राइस का ग्रोथ जो है उसका सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्राइस मूवमेंट को भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम प्राइस मूवमेंट पे आए हैं, तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं प्राइस मूवमेंट किस तरह से हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है यहाँ से स्टार्ट होता है कि 2002-2003 यहाँ पर प्राइस था मात्र 2 rupees के आसपास, 1.85 rupees, लेकिन याद रहे कि ये स्टॉक लगभग 40 rupees से 60 rupees के बीच था। ये बोनस के कारण, स्टॉक के स्प्लिट के कारण इतना प्राइस आपको कम दिखा रहा है, क्योंकि बोनस हो दिया गया कंपनी के द्वारा 3 से 4 बार, कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया,
जिसके कारण प्राइस बार बार टूटते गया और ये एडजस्टेड प्राइस है। बहुत सारे लोग इसी तरह आपको जो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे कि टाइटन 3 रुपया का शेयर था, हेबल्स जो है मात्र 2 रुपया का शेयर था, ऐसी नहीं है। ये शेयर उस समय भी महंगे थे। अगर 2002 में आपको 40 रुपये का कोई शेयर है तो वो आज के आप 2000 रुपये के शेयर के समझिए बराबर है। तो इस तरह से आपको ये भी देखना है कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म में वही अच्छा करते हैं। तो कभी भी आप सस्ते शेयर के साथ मत रहिए। हाँ, कंपनी अच्छी है, कंपनी छोटी है, प्राइस शेयर का सस्ता है तो आप उसके साथ रह सकते हैं। आप देखिए यहाँ 2 रुपया से ये मूवमेंट किया और ये स्टॉक 2 रुपया से मूवमेंट करने के बाद डायरेक्ट गया 72 रुपीज पर, और ये एडजस्टेड प्राइस है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। 72 रुपीज से ये स्टॉक पे फिर गिरावट होता है, मात्र 10 रुपीज पे आ गया। तो यहाँ पर गिरावट देखिए कितनी बड़ी होती है। और ये गिरावट था फाइनेंशियल ईयर का जो क्राइसिस था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008-2009 का। तो और यहाँ से ये स्टॉक देख लीजिए क्रैश होकर के 72 रुपीज से आ गया 10 रुपीज पे, और 10 रुपीज से जो ये जर्नी तय किया, और फिर ये वापस मुड़ करके इस स्टॉक ने कभी नहीं देखा। 10 रुपीज से ये डायरेक्ट स्टॉक पहुंच जाता है 800 रुपीज पर। देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ये 800 रुपीज तक पर आ गया। मतलब 10 रुपीज से 800 तक का जो जर्नी है वो मात्र 10 साल में तय किया, और 10 साल में ये स्टॉक्स अपने इन्वेस्टर को 80 टाइम्स का प्रॉफिट दिया। 80 टाइम्स का प्रॉफिट, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता 2009 में तो आपका जो रिटर्न होता 80 लाख रुपीज होता। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो। और फिर यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2019 से थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन देखने मिला, और जो 20 का गिरावट था उसमें स्टॉक गिर करके आ गया लगभग 460 रुपीज के आसपास, और वहाँ से फिर से देख सकते हैं ये स्टॉक 1200 का जर्नी तय कर चुका है। तो इस तरह से कुछ फाइनेंस मतलब प्राइस का जो जर्नी है वो रहा, कंपनी का जो जर्नी फाइनेंशियल जो जर्नी वो दिखाया, प्राइस मूवमेंट का जो जर्नी है उसको मैं भी ने दिखाया। तो हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है। तो अब आप देख लीजिए इसका इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको, क्योंकि प्रोडक्ट ही वो कंपनी का चीज़ होता है जो कि कंपनी को सेल्स देता है, कंपनी को प्रॉफिट क्रिएट करके देता है। क्योंकि जब प्रोडक्ट मार्केट में लीड करता है तो वहीं से कंपनी को सेल्स जनरेट होता है, उसी से प्रॉफिट जनरेट होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पर कंज्यूमर पर जाते हैं, फैन है, लाइटिंग है, जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में आप देखते हैं मिक्सर ग्राइंडर है, साथ ही साथ स्विच बनाती है, स्विच गियर्स बनाती है, वाटर हीटर बनाती है, फ्लेक्सिबल केबल बनाती है, एयर कूलर बनाती है, पंप बनाती है, पर्सनल ग्रूमिंग आप जो अपने दाढ़ी के लिए यूज करते हैं वो प्रोडक्ट भी बनाता है, वाटर प्यूरिफायर बनाता है, सोलर प्लेट भी बनाती है कंपनी। अब ये तो हो गया कंज्यूमर प्रोडक्ट, अब साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाती है, हैवी ड्यूटी फैंस जो बड़े बड़े फैंस यूज होते हैं इंडस्ट्री में वो बनाती है, पर्सनल लाइटिंग के लिए जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े बल्ब्स होते हैं वो यूज होता है, केबल बनाती है कंपनी, मोटर्स बनाती है, स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर बनाती है, पावर क्वालिटी सॉल्यूशन और सोलर प्लेट भी बनाती है इंडस्ट्रियल के लिए और कंज्यूमर दोनों के लिए। तो ये मुख्य प्रोडक्ट है। और कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप कंपनी की वेबसाइट hebels.com पे विजिट कर सकते हैं, और कंपनी के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। कंपनी के जो कई सारे प्रोडक्ट है वो मार्केट को लीड करते हैं। तो इतने बेहतरीन कंपनी है, इतनी सॉलिड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो तो काफ़ी सॉलिड है ही, कंपनी भी काफ़ी सॉलिड है, मतलब फाइनेंशियल पैरामीटर पे, टेक्निकल चार्ट पे भी कंपनी का जो शेयर प्राइस का ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब कंपनी का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लीड करेगी, तो हर चीज़ आपको अपने आप जो उसका स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हमेशा आप अपने कॉमन सेंस के साथ स्टॉक को चुनिए, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ जाएगा तो क्या स्विच यूज नहीं करेगा, यूज करेगा, बल्ब यूज नहीं होगा, होगा, चाहे जमाना कैसा भी हो जाए। वो आईटी कंपनी में आपको देखना, आईटी कंपनी को छोड़ करके हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सब नहीं देखना, वो हमें आईटी सेक्टर कंपनियों में देखना है कौन जो है अपने आप को मॉडर्न कर रहा है। ये कंपनियां अपने इनोवेशन अपने रिसर्च में लगा हुआ है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट इस कंपनी का यूज होगा उस पर ये रिसर्च करेगी कंपनी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी तरह के अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना है, और कोई भी दूसरा स्टॉक या दूसरी कंपनी इस
कंपनी को बीट करता है प्रोडक्ट में, मार्केट शेयर में, किसी भी प्रकार से, तो हम तुरंत वीडियो बनाएंगे। बस इसको छोड़ना है, उस कंपनी को पकड़ना है। तो इस तरह से आपको भी स्टॉक मार्केट में लगातार अपडेट रहना है, तो इसके लिए चैनल से जुड़े रहना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।